गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पैरेलल बाइनरी एडर ओब्लिक सबट्रैक्टर, या हम कह सकते हैं कि हम करेंगे 4 बिट बाइनरी एडर ओब्लिक सबट्रैक्टर। तो स्टूडेंट, टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी मैनर में आज इस टॉपिक को हम करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि हर टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी करके लाया गया है। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो देखते हैं पैरेलल बाइनरी एडर ओब्लिक सबट्रैक्टर। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने किया था कि 4 बिट बाइनरी एडर जो लास्ट लेक्चर में किया था, जिसके अंदर हमने देखा था, हमने एक सर्किट यूज किया था 4 बिट बाइनरी एडर सर्किट। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में किया था 4 बिट बाइनरी सबट्रैक्टर, इसके अंदर भी हमने एक और सबट्रैक्टर यूज किया था 4 बिट बाइनरी सबट्रैक्टर, इसके अंदर भी हमने एक सर्किट यूज किया था, दैट इज 4 बिट बाइनरी सबट्रैक्टर सर्किट। ठीक है, अगर हमने ये दोनों ही ऑपरेशन करने हो, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन, तो इसके लिए हमें दो सर्किट चाहिएंगे। लेकिन अगर हम दो सर्किट यूज करते हैं तो इससे हमें लॉजिक गेट्स भी हमारे ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे डिजाइन की कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो अच्छा होगा कि हम इन दो सेपरेट ऑपरेशन करने के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, हम यूज करें एक सिंगल सर्किट, एक सिंगल कॉमन सर्किट। अब पैरेलल बाइनरी एडर ओब्लिक सबट्रैक्टर वही सर्किट है, सिंगल सर्किट कॉमन सर्किट, जिसको हम यूज करेंगे दोनों डिफरेंट ऑपरेशन कराने के लिए, एडिशन और सबट्रैक्शन करने के लिए। द एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑपरेशन कैन बी कंबाइंड इनटू वन कॉमन सर्किट। तो एडिशन और सबट्रैक्शन ऑपरेशन को कंबाइन किया जा सकता है एक कॉमन सर्किट में। इसके लिए सबट्रैक्शन ऑपरेशन जब किया जाता है तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको यूज किया जाता है, सबट्रैक्शन ऑपरेशन को किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट एंड यूजिंग एडर। तो टूज कॉम्प्लीमेंट इसमें हम यूज करेंगे और एडर यूज करेंगे, दैट विल कॉमन सर्किट। अब ये जो एडर है, ये फुल एडर, ये ही हमारा कॉमन सर्किट बनेगा। दिस विल बी डन बाय इंक्लूडिंग एन एक्स ओर गेट विद अ फुल एडर। ये हम करेंगे फुल एडर के साथ, एक्स ओर गेट को यूज करके। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, ए दैट इज 14 और एक दूसरा नंबर दैट इज 5। 14 में से हमने करना है माइनस 5 को, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा 9 डेसिमल में। अगर हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखें तो 14 का बाइनरी होता है दैट इज 1110 और 5 का बाइनरी होता है दैट इज 0101। ठीक है, तो इसका हमने करना है माइनस। अब हम माइनस करने के बजाय अगर टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 कर दें, 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट कर दें अगर हम, और फिर इसको 1110 में प्लस कर दें, तो रिजल्ट विल बी सेम, तो भी सेम बात ही होगी। ये हमने पिछले टूज कॉम्प्लीमेंट वाले लेक्चर में पढ़ा भी है। ठीक है, माइनस को हम चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं प्लस में, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल करके। ठीक है, अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 1 को 0 में चेंज कर दिया जाता है, 0 को 1 में। ठीक है, अब हम जो है 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 5 जो कि है 0101। ठीक है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट इज 1010, इसमें हम ऐड कर देंगे 1, तो क्या आएगा रिजल्ट, दैट इज 1011, तो ये रिजल्ट आएगा हमारा। ठीक है, अब जो 14 था, 1110 14, इसमें हम टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 को ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट हमारा वही आएगा जो माइनस करके आता, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1111 इज 0 1 1 एज द कैरी, 1110 1111 इज 1 1। ठीक है, तो 1 एज द कैरी, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में आता है कि अगर कैरी आ जाए तो हम उसको कर देते हैं डिस्कार्ड। ठीक है, और बाकी हमारा होता है रिजल्ट। तो ये 1001, इसका अगर हम डेसिमल देखें तो 9 ही होगा, एंड 9 ही हमारा आंसर आना चाहिए था। तो ये हो गया हमारा माइनस, 14 माइनस 5, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल करके। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने और किया हमने एडिशन। अब इसको देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट। तो 14 माइनस 5, 14 जो कि है 1110 और 5 जो कि है 0101।
ठीक है, तो ये हमने इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अब हम 4 बिट्स हैं तो इसके लिए हम 4 सबट्रैक्टर लेंगे, फुल सब 4 एडर लेंगे, क्योंकि अभी हमने जो है ये विद द हेल्प ऑफ एडिशन करना है। तो फुल एडर लेंगे हम, फुल एडर 0, फुल एडर 1, फुल एडर 2 एंड फुल एडर 3, यानी 4 एडर्स हमने टोटल ले दिए। तो अब हमारा जो इनपुट्स इनके अंदर जाएगा वो क्या, कि ये नंबर हमारा है ए, ये नंबर है सपोज बी, तो इसके अंदर जो ये नेम होंगे A0, A1, A2 एंड A3, ठीक है, और इन बिट्स का नाम होगा सपोज B0, B1, B2 एंड B3, ठीक है। अब हम जो इनपुट्स इनके अंदर देंगे वो है A0, ठीक है, अब जो हमने बी इसमें इनपुट देना है, ए को तो हम डायरेक्ट देंगे, बी जो हम इनपुट देंगे वो कैसे देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करके, ठीक है, और वंस कॉम्प्लीमेंट जहाँ 1 हो जाता है 0 में चेंज और 0 हो जाता है 1 में चेंज, तो इट मीन्स वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम बी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा बी था इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। तो अब हम बी बी को कैसे देंगे, कॉम्प्लीमेंट करके देंगे, बी को हमने जो दिया कॉम्प्लीमेंट करके हमने देना है, ठीक है, ये है B0। अगली इनपुट जो हमारी जाएगी A1, और बी की जो जाएगी वो भी कॉम्प्लीमेंट में, डेट इज B1। फिर अगली इनपुट जाएगी A2, बी की जो इनपुट जाएगी कॉम्प्लीमेंट में, डेट इज B2। फिर ए की जो इनपुट जाएगी डायरेक्ट बी की इन्वर्टर में कॉम्प्लीमेंट में, डेट इज B3। तो इस तरीके से 4 एडर हमने हमारे यूज होंगे। अब बीस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करना है, ठीक है, इसमें प्लस 1 भी करना है, तो हमारी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है यानी 0101 का, जब हमने 0101 का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट किया डेट विल बी 1010, इसके लेफ्ट मोस्ट बिट में, यानी ये जो हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट है या ये राइट मोस्ट बिट, इसके अंदर हम 1 ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें हम 1 ऐड करते हैं, तो हमारा सबसे स्टार्टिंग में जो कैरी एज ए इनपुट जाएगी वो होगी 1, क्योंकि हमने इसमें 1 ऐड करना है, स्टार्टिंग में हमने जो है इसके अंदर 1 ऐड करना है, ठीक है। तो हमारी जो इनपुट्स हैं वो गई हैं A0, B0, और ये हमारा कैरी हमारा सबसे ये जो राइट मोस्ट में है इसमें 1 ऐड करना हमने, तो ये हो जाएगा बीज कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। उसके बाद जो हमारी कैरी आएगी वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, दिस इज कैरी 0, कैरी 1, कैरी 2, कैरी 3 और ये होगी कैरी 4। रिजल्ट आएगा जो दैट इज S0, S1, S2 एंड S3। इस तरीके से ये हमारा सर्किट रहेगा, ठीक है, पैरेलल बाइनरी एडर ओब्लिक सबट्रैक्टर यानी टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम इसमें बिट्स डाल करके देख लेते हैं। पहली जो हमारी A0, A1, A2, A3 ये बिट्स हैं हमारी 0, 1, 1 और 0, ठीक है, ये A0, A1, A2, A3 की बिट्स हमारी गई हैं, डेट इज 1 0 1 1 0, सॉरी 0 1 1 और A3 में है 1, ठीक है, 0 1 1 1। अब B0 में हमने डाला, B0 में 1 0 1 एंड 0, अब ये इन्वर्ट होकर के हो जाएगी 0, ये 0 का 1 बन जाएगा, 1 का 0 एंड 0 का 1, ठीक है। अब ये दोनों बिट्स ऐड करनी है, 0 0 0 0 ऐड किया तो 0 एंड इसमें 1 ऐड किया तो रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। तो अब कैरी जो गई, कैरी इज 0, फिर 1 1 इज 1 0,
और इसमें जीरो ऐड किया तो वन जीरो हुई, जीरो वन एज द कैरी, जीरो वन ऐड किया तो वन, और वन में वन ऐड किया मतलब तीन इनपुट्स हम ले रहे हैं तो इसीलिए हमने फुल एडर यूज़ किया है, तो जीरो वन 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 इज़ वन जीरो, ठीक है, फिर वन वन इज़ वन जीरो एंड वन इज़ वन वन, तो वन एंड वन एज द कैरी, ठीक है। तो यहाँ हम कैरी को कर देते हैं डिस्कार्ड, तो रिजल्ट आया है 1001। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो डेट इज़ 9, तो इसका रिजल्ट जो है आना चाहिए था 9, जो कि हमारा 9 ही आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट वाला सर्किट, फुल एडर, पैरेलल बाइनरी एडर ओब्लिक सबट्रैक्टर। अब हम जो है हमने करना क्या है, अब इन जो भी हमारा ये था इसको हमने कंबाइन कर देना है, ठीक है, इसको हमने कंबाइन कर देना है। तो कंबाइन करने के लिए एडर ओब्लिक सबट्रैक्टर, ये दोनों चीज़ें हम कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन करने के लिए हम लेंगे एक्स और गेट, एक्स और गेट का यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और एक्स और गेट की टेबल क्या होती है, ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन, तो एक्स और के गेट की क्या टेबल रहती है, एक्स और कहता है कि अगर कोई भी एक वन है तो आंसर वन, नहीं तो आंसर ज़ीरो, ठीक है, ये है सपोज आउटपुट। तो अब जो एक्स और गेट क्या कहता है कि जो रिजल्ट आया वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स और गेट में, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये होता है एक्स और गेट, ठीक है। तो ये आता है हमारा इसके अंदर। अगर हम जो है ए को, जैसे हमारा जो भी इनपुट है, जो भी रिजल्ट है, अगर हम ए को सपोज हमारे हमें एक कंट्रोल बिट रखेंगे, दैट इज एम, एक कंट्रोल बिट रखेंगे, ठीक है, एम ये है हमारे कंट्रोल बिट, ठीक है। इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ऑपरेशन है वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। सपोज एम के अंदर, एम के अंदर जो भी कुछ है अगर, तो उसको एक्सोर कर रहे हैं हम ज़ीरो के साथ, ठीक है, या तो हम उस कंट्रोल बिट को ज़ीरो के साथ एक्सोर करेंगे या फिर उसको करेंगे वन के साथ। अगर ज़ीरो के साथ कर रहे हैं अगर हम सपोज, तो हमारा जो रिजल्ट होगा डेट इज़ एम बार डॉट ज़ीरो प्लस ज़ीरो डॉट एम बार, ठीक है। तो ये हमने इसको खोल दिया तो ये आएगा रिजल्ट, तो दिस इज ज़ीरो प्लस ज़ीरो डॉट एम बार, ये क्या होगा, एक सेकेंड, एम बार डॉट ज़ीरो प्लस एम डॉट ज़ीरो बार, ये होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ज़ीरो, और ये ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट डेट इज़ वन, एम डॉट वन यानी आएगा रिजल्ट एम। अगर हम एम को ज़ीरो के साथ एक्सोर करते हैं तो रिजल्ट आएगा एम, यानी जो हमने डाला था वही एज इट इज़ रिजल्ट जाएगा, ठीक है, नो चेंज, नो चेंज होगा, यानी जो हम डालेंगे अगर हम इसको ज़ीरो के साथ एक्सोर कर रहे हैं इसको, तो नो चेंज रहेगा। अगर हम इसको वन के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, एम बार डॉट वन प्लस एम डॉट वन बार, ये हमने खोल दिया इसको, दिस इज एम बार और एम डॉट वन का बार डेट इज़ ज़ीरो, तो एम बार प्लस ज़ीरो डेट इज़ एम बार, ठीक है। तो अगर इसको वन के साथ एक्सोर कर रहे हैं तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखना है हम एम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल बिट, तो कंट्रोल बिट में हम जो है कंट्रोल करेगी ये बिट कि ये एडिशन का वर्क करे या सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन में हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हमने सब्ट्रैक्शन जो सब्ट्रैक्शन के लिए हमने देखा था कि ये जो है बीज कॉम्प्लीमेंट प्लस वन था, मतलब कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे थे हम। तो कॉम्प्लीमेंट का केस तब होगा जब सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा होगा, ठीक है, और नो चेंज का काम तब होगा जब एडिशन का काम होगा, ठीक है। तो अगर
जीरो जीरो की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम एडर की बात कर रहे हैं, एडिशन की, ठीक है, एडिशन की, दिस इज एडिशन। और जब हम वन की बात करेंगे तो इट मीन्स हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये क्लियर हुआ, अब जो है हम XOR का गेट यूज करेंगे, ठीक है। तो XOR का गेट कैसे, सपोज हमारा फुल एडर था, जो भी फुल एडर, उसमें हम ए को तो एज इट इज डालेंगे और बी का हमने जो है, बी के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट डालना है, अभी हम यहाँ पे यूज कर देंगे XOR गेट, दिस इज XOR गेट। तो यहाँ पे हमारा बी एज इट इज जाएगा जब केस होगा एडिशन का, ठीक है, और जब केस होगा सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन का केस होगा तो हमारा सब्ट्रैक्शन में कैरी वन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एम एम ये कंट्रोल इनपुट रहेगी जो डिसाइड करेगी कि एम जो है एडिशन का काम करेगा या सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। एडिशन में तो हमारी बी एज इट इज जाएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में जो है हमारी बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी और सी आ जाए, सी यानी कैरी आएगा वन, कैरी होगा इसमें वन, क्योंकि सी जो है कैरी इनपुट जो है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन चलती है, ठीक है, कब, सब्ट्रैक्शन के केस में। अब इसको देख लेते हैं इस सर्किट के साथ, सर्किट में, ठीक है। अब हमने देखा था कि जीरो का अगर केस है एम के लिए, अगर जीरो है तो इट मीन्स हम एडर यूज कर रहे हैं, और वन का अगर केस है तो इट मीन्स हम सब्ट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का। तो एम क्या है, यहाँ पे हमारी कंट्रोल बिट है। अब हम इनपुट्स देंगे, ए तो ऐसे ही जाएगा डायरेक्ट, ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए का कोई इशू नहीं है, ये डायरेक्ट जाएगा। अब बी, बी जिसके लिए हम इन्वर्टर यूज कर रहे थे, ठीक है, उसकी जगह अब हम यूज करेंगे एक्स और गेट, दिस इज एक्स और गेट, ठीक है। और एक्स और गेट में क्या होगा, बी जाएगा, ठीक है। अब बी जाएगा लेकिन डिसाइड होगा कि बी जो है वो डायरेक्ट जा रहा है या कॉम्प्लीमेंटेड जा रहा है, ये डिसाइड करवाएगा हमारा एम, कंट्रोल इनपुट डिसाइड कराएगा, ठीक है। तो अभी हम जो है इसको एक्सोर गेट के थ्रू इनपुट देते हैं पहले, ये हमारा एक्सोर गेट लगा दिया हमने, ये भी एक्सोर गेट लगा दिया, ठीक है। तो हम इसको देंगे पहला इनपुट बी जीरो, बी वन, बी टू और बी थ्री, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जाएंगे जब जीरो का केस होगा, ठीक है, लेकिन जब वन का केस होगा यानी सब्ट्रैक्शन वाला जब केस होगा तो जीरो या वन, ये हम किस चीज में रख रहे हैं, जीरो या वन, ये हम किस चीज में रख रहे हैं, ये हम रख रहे हैं एम के अंदर, ये हमने कंट्रोल इनपुट डाल दी है सभी के अंदर, एक्सओआर के साथ हमने डाली कंट्रोल इनपुट, ठीक है, ये है कंट्रोल इनपुट जो सभी के अंदर जाएगी। तो आपने इसको इस तरीके से कंट्रोल इनपुट डालनी है जो सभी के अंदर जाएगी, और दिस इज कंट्रोल इनपुट, ठीक है। ये कंट्रोल इनपुट अगर वन होती है, अगर वन होगी तो यहाँ सभी के लिए, यहाँ फिर सभी में वन जाएगा, अगर ये वन है तो इट मीन्स सब्ट्रैक्शन का केस परफॉर्म होगा, ठीक है। और अगर ये जीरो है, अगर ये कंट्रोल वन या जीरो हो सकती है, ठीक है, अगर ये वन है तो मीन्स सब्ट्रैक्शन का केस होगा,
और अगर ये जीरो है तो इट मीन्स एडर का केस होगा, ठीक है। और यहाँ से हमारी जो ये कैरी है आगे जाएगी, ये हमारा एम है, दिस इज एम, ये वन जाएगा अगर जो है सब्ट्रैक्शन का केस होगा तब, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन होता है, तो वन वन जाएगा। आगे हमारा जो है कैरी आगे शिफ्ट का होगी, दिस इज सी जीरो सी वन सी टू एंड दिस इज सी थ्री, और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा डेट इज एस जीरो एस वन एस टू एंड एस थ्री, ठीक है। तो अब जो है कंट्रोल इनपुट है ना, ये कंट्रोल इनपुट ये ही कंट्रोल करेगा कि यहाँ पे एडिशन चलेगा या सब्ट्रैक्शन चलेगा, क्योंकि हमारा ये फुल एडर है, यहाँ पे फुल एडर है जो एडिशन का भी काम करेगा और सब्ट्रैक्शन का भी, ये सारे फुल एडर्स हैं, ठीक है। तो ये एडिशन का काम करेंगे या सब्ट्रैक्शन का, ये डिसाइड करेगा हमारा कंट्रोल इनपुट। तो अगर तो कंट्रोल इनपुट जीरो है तो एडिशन का काम होगा, और एडिशन का मतलब बी जीरो एज इट इज जाएगा, ठीक है, बी जीरो एज इट इज जाएगा, बी जीरो एज इट इज, बी एज इट इज क्यों जाएगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पे देखा एडिशन में कोई भी चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो जिसके साथ भी XOR होगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा एडिशन के केस में, और जिसके साथ भी सब्ट्रैक्शन होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा XOR हो रहा है, XOR हो रहा है बी टू के साथ या इसके साथ, बी बी के साथ, बी ज़ीरो बी वन बी टू बी थ्री, इसके साथ हमारा XOR हो रहा है किसका, M का, ये M का XOR है इसका M का, ठीक है। तो अगर तो हमारे XOR हो रहा है इसका M का, ठीक है। तो जीरो का केस है, तो अगर ये जो M है, M के अंदर अगर जीरो है तो कोई चेंज नहीं, M के अंदर जीरो या वन कुछ भी हो सकता है, अगर जीरो है तो नो चेंज यानी एज इट इज जाएगा, और वन है तो जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, दिस इज नो चेंज, और वन है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एम के अंदर जीरो, अगर सपोज एम का केस है जीरो जीरो, तो ये बी जीरो में जो भी है वो एज इट इज जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, इसके साथ भी 14 माइनस फाइव जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो एक बार इस एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। 14 माइनस फाइव, 14 जो कि है 1 1 1 1 0, ठीक है। और अगर हम प्लस की बात करें तो 5 जो है डेट इज़ 0 1 0 1, ठीक है। तो 14 के अंदर हमारा जाएगा 1 1 1 0, दिस इज 0 1 1 एंड 1, ठीक है। और अगर प्लस का केस है, प्लस का केस है इट मीन्स जीरो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्लस का केस में यहाँ पे अगर कंट्रोल इनपुट हमारी जीरो है, कंट्रोल इनपुट जीरो है अगर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर कंट्रोल इनपुट हमारी जीरो है तो यहाँ पे जीरो जाएगा, कंट्रोल इनपुट वाली में जीरो जाएगा, और बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री के अंदर क्या जाएगा, ये जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 और 1, ठीक है। और ये एज इट इज ही यहाँ पे आएगा, रिजल्ट हमारा एज इट इज ही होगा, बी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो हमने डाला था वही आएगा नीचे। तो 1 डाला था तो 1 आएगा, 0 डाला था 0 आएगा, 1 डाला था तो 1 आएगा, 0 डाला था तो 0 आएगा नीचे, ठीक है। अब जो है एडिशन करनी है जीरो की और वन की, 0 1 डेट इज 1, और अभी हमारे कंट्रोल इनपुट में है जीरो, तो 0 प्लस 1 इज 1 और 1 प्लस 0 इज
डेट इज़ वन, तो रिजल्ट आएगा वन, कैरी आएगी ज़ीरो। ठीक है, अब हम जो है वन और ज़ीरो को ऐड करेंगे, डेट इज़ वन और ज़ीरो, डेट इज़ वन, कैरी इज़ ज़ीरो। आगे वन प्लस वन इज़ वन ज़ीरो, और कैरी भी हमने ऐड की तो डेट इज़ वन ज़ीरो, ज़ीरो रिजल्ट वन एज ए कैरी। वन प्लस ज़ीरो डेट इज़ वन, एंड वन इज़ वन वन, रिजल्ट वन तो यहाँ पे और कैरी में वन, इस कैरी को कर दिया जाएगा डिस्कार्ड, तो ये आ गया 1011, 1011। यहाँ पे हमने टूस कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहे, तो इस कैरी को डिस्कार्ड नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारा वन आया, तो जो रिजल्ट आया डेट इज़ 1011, और ये भी वन। ठीक है, तो इस दौरान पे ये कैरी यहाँ पे एज ए सम 4 बन जाएगी, और ये होगा वन, तो रिजल्ट आया है 11011, 11011, दिस इज वन, सॉरी रिजल्ट आया हमारा 11011। इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो क्या आंसर जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, डेट इज हमारा 11011। ये हम डाल करके देख लें तो रिजल्ट आ रहा है डेट इज दिस इज 10011 आएगा यहाँ पे, 10011, 1 + 0 इज वन प्लस वन इज 10, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 10011 आया है, दिस इज 10011। ठीक है, ये रिजल्ट आया है, तो 14 + 5 डेट इज ये क्या हो गया, अगर हम इसका डेसिमल लें तो कितना आएगा, 16 + 2 + 1 डेट इज 19 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 19, तो ये रिजल्ट आया है एडिशन के केस में। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेंगे, सब्ट्रैक्शन के केस में जो है हमारी ये जो बी इनपुट जो हमने भेजी थी ये इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम सब्ट्रैक्शन के केस में सारा चेक करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है बिल्कुल सही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल बाइनरी एडर ऑब्लिक सब्ट्रैक्टर। तो स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से ये इजी करके आपको समझाया गया है, और अगर आपको ये समझ आ गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दें, और लाइक शेयर भी लेक्चर को ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर से जुड़ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।